हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सभी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे वॉइस क्लियर है, क्योंकि आज का आप लोगों का सेशन एमसीक्यू बेस्ड है, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं। राइट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं, और ये है डे नंबर वन। तो पहला टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने अच्छे और रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाले हैं। सीडीपी की जितनी भी तैयारी हो सकती है आप लोगों को 30 में से 30 दिलाने के लिए उतनी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। राइट, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं, साथ ही में आप लोगों की एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करी जा रही है, शॉर्ट सेशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये बता दो मुझे, क्या वॉइस क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट्स में बताइए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे, फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करेंगे सेशन को। राइट, ऑल क्लियर है मैम? ठीक है, तो भाई फिर स्टार्ट करें अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिक टॉपिक आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें हाथ आता है, करने की क्या जरूरत है, बट कॉन्सेप्ट आता है, मीनिंग, डिफरेंस, स्टेजेस, सारी चीजें आपको पता है। अब उसे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पैट एग्जामिनर किस कहां से किस कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी बन सकते हैं। और आप लोगों का सेशन थोड़ा सा मतलब कि अच्छा एमसीक्यूज रहेंगे तो स्पीड में रखेंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके। राइट, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं पहले बता दूं कि आप लोगों को ये सीटेट की प्रीवियस ईयर की बुक्स आप लोग देख सकते हैं। राइट, जिसमें आप लोगों का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ अवेलेबल है। इसका आप लोगों का लिंक अमेजोन फ्लिपकार्ट का ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, एफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर है। साथ ही में इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी है, और 2011 से 22 तक के जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनसे नहीं पता है तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से। अब देखो, वो लोग जिन्हें लगता है कि एफर्ट्स बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं, हम लोगों के अंदर कुछ डेवलपमेंट, कुछ सुधार, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो भाई वही स्टूडेंट्स लाइक कर दे सेशन को और अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम फेसबुक पे शेयर जरूर किया करो, क्योंकि भाई जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हेल्प हो रही है तो तुम ही आगे अपने फ्रेंड्स को बताओगे। थैंक यू सो मच इशिका, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। अब विकास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है विकास, एक आप लोगों का कॉन्टिन्यूस चलने वाला जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है, तो उसमें से कौन सी उसकी खासियत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर वन का, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, सही बात है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, जो प्रारंभिक विकास होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सही बात है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, ये तो सिद्धांत नहीं था, प्रिडिक्टेबल हमने समझा था तो ये नहीं है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी सही है, तो उसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉट पूछा गया था कौन सी इसकी खासियत नहीं होगी, तो ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। यस, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर्स। भाई 16 वर्ष तक की आयु का जो मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है उसका भार क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, लगभग कितना होगा एक ह्यूमन बींग का, अगर 16 साल का बच्चा है तो 16 वर्ष तक उसका वेट ऑफ ब्रेन कितना रहेगा, बताइए, जल्दी से बताएंगे। नहीं नेहा, ये आप लोगों का क्लास पेपर वन पेपर टू बोथ लेवल्स के लिए है, मैं दोनों के लिए ही तैयारी करा रही हूँ आप लोगों को, तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर वन का। 750 ग्राम्स टू 900 ग्राम्स, 1200 टू 1400, 1000 ग्राम्स टू 1200 या 800 टू 1000 ग्राम्स। ग्राम्स की बात हो रही है, किसकी? ग्राम्स की। तो
आप सभी ने तुक्का मारा है या सभी के रैंडम्स आंसर हैं, राइट? किसी ने ए बी सी सब ने अलग अलग दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। 16 साल के बच्चे का दिमाग का वेट जो होता है तो उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। अभी तक जिसको नहीं पता था, तो ऐसे नए क्वेश्चंस के लिए आप लोग सेशन जरूर अटेंड करना। मैं आपको जितना हो पाएगा वो टॉपिक वाइज करूंगी, जिससे कि कॉन्टेंट भी टॉपिक वाइज मिले आप लोगों को और एमसीक्यूज भी टॉपिक वाइज मिले। तो उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि पल्लवी ने बिल्कुल सही दिया और सबसे पहले दिया है। नेहा कुमारी ने भी सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट? भाई निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? अब आपको स्टेजेस कराई हैं, इन्फेंसी पीरियड, आपका चाइल्डहुड पीरियड, देन आपका एडोलेसेंट, फिर एडल्टहुड। तो इसमें बात करी जा रही है कि एडोलेसेंट किशोरावस्था की कौन सी खासियत नहीं होगी। यस, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, एंजाइटी या फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। तो बहुत इजी आंसर है यार, तुम तो लोग बहुत आसानी से दे सकते हो। देखिए जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे किशोरावस्था एडोलेसेंट पीरियड में ही गुजरते हैं। मतलब इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, धोखा मिलना, या फिर हम लोग हीरोशिप पे बिलीव करते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, मतलब कि गुस्सा, एग्रेशन, सब चीज़ आता है। बट कौन सा नहीं होता? हमारे इमोशंस कभी भी स्टेबल, स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। इसी वजह से एडोलेसेंट पीरियड को यहाँ से स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा गया है। किसकी? तूफान एवं तनाव की अवस्था। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ए के साथ जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 4। सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स काउंट करते चले कि कितना स्कोर आप लोग इस टॉपिक से आपको कितना आता है। स्कोर लास्ट में पता चलेगा तो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? क्वेश्चन फिर आप लोगों से पूछा गया है कि ये ऐसा क्वेश्चन रिपीटेडली हर एक टेट एग्जाम्स में, यूपी टेट, रीट, आपका सी टेट, हर एक एग्जाम्स में आता है। तो बताइए किसमें से कौन सी एडोलेसेंट की खासियत नहीं है, नॉट पूछा गया है। यस, एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड। इन एडोलेसेंस देयर इज अ वेग इंडिविजुअल स्टेटस। एडोलेसेंस इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, या फिर एडोलेसेंस इज द टाइम ऑफ रियलिज्म। दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात बता रखी है कि हम लोग चाइल्डहुड से एडल्टहुड, यहाँ से चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है वही आपका किशोरावस्था कहलाता है। सही बात है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेग, मतलब कि खराबी जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा इंडिविजुअल स्टेटस होता है जिसको हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते। सही बात है। और यहाँ पर जब एडोलेसेंट पीरियड खत्म होने के बाद एडल्टहुड के अंदर हम लोग एंटर करते हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सी सही नहीं थी? ये एक रियलिज्म का टाइम है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को समझना नहीं चाहते, हम लोग अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में खोए हुए होते हैं। यहां से कभी कुछ इमेजिन करते हैं, कभी कुछ इमेजिन करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। वास्तविकता या फिर रियलिज्म के ऊपर ये टाइम नहीं होता है। देखा, बेसिक क्वेश्चन से तब भी तुम्हारा गलत हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है? भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उतने तो एटलीस्ट लाइक होने चाहिए, शेयर क्यों नहीं हो रहा है सेशन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन मैंने वही बोला, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक भी होंगे, कुछ सिंपल, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा सेशन के अंदर, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक को अच्छा प्रिपेयर करके चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात की जा रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट,
बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग है. ग्रोथ कॉन्टिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ये तो बिल्कुल गलत है. ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये सही है. और ग्रोथ इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी सही है. क्योंकि हमें पता है जो विकास है वो हमारे निरंतर पूरे जीवन भर तक चलेगा, बट जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो एक समय पर आकर रुक जाती है. तो इसमें से गलत कौन सा हुआ? बी ऑप्शन गलत हुआ एक, कि ग्रोथ हमारी थ्रू आउट द लाइफ नहीं जाती है. Yes. तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएगा. और आज के जो सीडेट का पेपर आपकी बार होने वाला है, लेटेस्ट पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. अब ये नहीं पूछेगा कि कॉन्टिन्यूस कौन सा है या फिर डिसकंटिन्यूस कौन सा है, अब आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा. तो इसको पढ़ने की स्पीड आप लोग क्रिएट कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following psychologists defined adolescent as? अब वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है? Adolescent is a span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially and physically. तो इनमें से वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कथन दिया है और कहा है कि जो adolescent है वो एक पीरियड है जो आपका childhood और adulthood के बीच का है, जिसके अंदर बच्चा mentally, इमोशनली, सोशली, फिजिकली मूव करता है, हर एक चीज में चेंजेस आते हैं. बताइए, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा. हरलॉक, डेविस, सोरेनसन या फिर जर्सिल्ड. अब देखिए, ये आपको पता नहीं होगा कि किसने कौन सा कथन कहा है, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर एटी जर्सिल्ड है. ये आपको स्टेटमेंट आप लोग जब पढ़ोगे तभी आप लोग इसका स्टेटमेंट का आंसर दे पाओगे. अब मुझे पता था कि आप लोग हरलॉक ही दोगे, क्योंकि हमने काफ़ी स्टेटमेंट्स में हरलॉक या फिर स्टैनले हॉल ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम सुने हैं, बट ये जो स्टेटमेंट है आप लोग एक बार सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेवन. अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंड विनर, इकोलॉजिकल थियरी, स्टूडेंट्स, फैमिली, पीयर, स्कूल एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस हिज डेवलपमेंट, दे बिलोंग टू. ये क्वेश्चन भी ऐसा एज इट इज आ चुका है, क्योंकि हमने इकोलॉजिकल थियरी पढ़ी है ब्रॉनफ्रेंड विनर की. मैंने आपको सीडीपी उड़ान बैच के अंदर कराई है, जिसने नहीं पढ़ी है तो सीडीपी उड़ान बैच जरूर देखे. यस. तो इसके अंदर बात की जा रही है कि जो फैमिली, पीयर, स्कूल होते हैं उनका इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो कौन सी अवस्था के अंदर आते हैं ये आपको बताना है. क्रोनो सिस्टम, माइक्रो, मैक्रो, एक्सो सिस्टम. देखिए, एक्सो, क्रोनो, क्रोनो तो बिल्कुल घटना मंडल होता है, ये तो नहीं आएगा. तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के जो आसपास के लोग होते हैं, फैमिली, नेबर्स, वो किसको प्रभाव करते हैं? बच्चे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं, और वो बेसिक लेवल होती है. तो यहां से इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएगा. माइक्रो सिस्टम के अंदर जाती है, फिर उसके बाद मेजो आता है. तो अलग अलग स्टेजेस आप लोगों की वो बढ़ती चली जाती है. मैक्रो बड़े लेवल पर होता है, तो मैक्रो नहीं आएगा, राइट. एग्जोस्ट से नीचे आता है, वो भी नहीं आएगा. क्रोनो लास्ट लेवल है. तो सबसे पहली लेवल में बच्चे के जो आसपास के लोग होते हैं वही उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्वेश्चन यही पूछा गया. तो वो कौन सी लेवल का हिस्सा है? वो ए, माइक्रो लेवल का हिस्सा है. क्वेश्चन नंबर एट. जिसने थियरी नहीं पढ़ी है, मैं अब भी कहूंगी सीडीपी उड़ान बैच देख ले, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल ये सारी बातें बता रखी है. आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, बताएंगे. किशोर विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या होगी? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राइट. मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर अ टीचर व्हेन ही और शी इज वर्किंग विद एडोलेसेंट. तो एक शिक्षक कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेगी? यार, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग ना फिरने वाला है. क्यों? क्योंकि उस पर तुम्हें सोचना पड़ रहा है. बिल्कुल कट टू कट आंसर नहीं डाले मैंने, क्वेश्चन नहीं डाले, आपको अब इन पर सोचना पड़ेगा. तो दो भाई, आंसर दो फटाफट से. करेक्ट आंसर क्या होगा? आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन. देखो, कभी भी हम लोग बच्चे की तुलना नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन कट गया. प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस. गिव चाइल्ड एक्सपीरियंस इन ऑर्डरली ऑपरेशंस या कंस्ट्रक्ट इंक्लाइंड प्लेन और हिल. दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा. कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी
कि देखो एक टीचर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। यहाँ से पूछा गया है कि टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेगी। तो अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम दी जाए और उसको बोला जाए कि आप लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, आपको खुद से करना है क्योंकि एक ग्रुप में एक वर्क दिया गया है, तो टीचर के लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी रहेगी। और काफी स्टूडेंट्स ने सही भी दिया है बी ऑप्शन, तो उसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा कि एक समस्या को प्रस्तुत करके विद्यार्थियों की परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ेंगे। कैसे लग रहे हैं भाई क्वेश्चन, अप टू द लेवल, अप टू द मार्क्स, न्यू क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा, कमेंट्स में जरूर बता दें। मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है, मींस जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसमें से ऑप्शंस गलत है, तो कौन सा जाएगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो विकास होता है, जो विकास होता है वो डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। All individuals are similar in their development. क्या सभी individuals similar होते हैं अपने विकास के अंदर? Right? चलिए, ये development is a product of heredity. तो ये भी सही बात है कि development हमारा अनुवांशिकता और वातावरण का एक हिस्सा है। ये development works on the principle of integration. ये भी principle हमने पढ़ा है। But कौन सा नहीं पढ़ा, तो आप लोगों ने बिल्कुल correct answer दे दिया है। इसका correct answer B option के साथ जाएगा कि सभी व्यक्ति का विकास एक समान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने एक principle पढ़ा है individual difference का। कौन सा principle पढ़ा है, individual डिफरेंस का, कि सभी बच्चा अलग अलग होता है, हर एक बच्चा यूनिक है। यस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब। इसका ये क्वेश्चन आपका भी 2022 के लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, तो हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। और आपकी प्रैक्टिस तब बेहतर होगी जब आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे, क्योंकि उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और उतना कॉन्टेंट डिलीवर मैं आप लोगों को करूंगी। Yes, तो दृष्टि से हटने और बाद मस्तिष्क से हट जाना, इसका मतलब क्या है। अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल एडोलेसेंट या एडोलेसेंट स्टेज है, किसका हिस्सा होगा, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, आउट ऑफ साइट ऑन एंड आउट ऑफ माइंड, कि भाई आपके यहां से हटा, नजर से हटा और आपके दिमाग से भी चला गया। तो ऐसी अवस्था कौन सी होती है, जब बच्चा छोटा होता है, अपनी सेंसेस आरंभिक अवस्था में होता है। देखिए क्वेश्चन का मतलब तुम्हें पता था तो तुम्हारा आंसर इतना सा था, बहुत छोटा सा था, बहुत आसानी से कर सकते थे, सोचने की जरूरत नहीं थी। अब जो तुमने इतने रेंडम आंसर दे दिए हैं वो गलत दिए हैं सबने, तो आपकी आंखों से हटर तो दिमाग से निकल गया। वो किसके साथ होता है, छोटे बच्चे के साथ होता है, जब बच्चा अपनी सेंसरी स्टेज में, उसको ज्ञान ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है। क्लियर, तो उसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेन ब्रिनर बायो, यहां से पूछा गया है इकोलॉजिकल मॉडल, द पेरेंट सिबलिंग ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। अगेन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्रॉनफ्रेन ब्रिनर की थियरी आपको कराई है, yes, कराई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रॉनफ्रेन ब्रिनर का जो भी सिद्धांत है उसके अनुसार जो उसके माता पिता, उसके भाई बहन आते हैं, वो कौन सी स्टेज का उदाहरण है। अभी कराया आपको ये क्वेश्चन, अब बता दो तुम लोग कि अब ये कौन सी स्टेज का सिस्टम होगा। क्रोनो सिस्टम होता है घटना मंडल, के बच्चे के साथ कोई घटना घटी थी उसको रिपीट कर रहा है। मैक्रो से नीचे आ जाता है कि पूरी सोसाइटी से रिलेटेड बात करता है। एक्सो इज द डिफरेंट थिंग, तो यहाँ पर उसके जो आसपास के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उसके सभी लोग, वो किससे प्रभावित होता है बच्चा अपने आसपास, तो वो कौन सी स्टेज का हिस्सा है, माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। किसका, माइक्रो सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, बस क्वेश्चंस देखते आंसर बताते रहिए। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा है, ये बात भी आपको सीडीपी उड़ान बैच के अंदर बता रखी है मैंने, कि जो अट्रैक्शन होता है गर्ल्स का अपने फादर की तरफ, उस बात को सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा है, दीजिए।
ये जो जायसवाल और प्रियंका कुमारी जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, पहले ही बता दूं। जो स्टूडेंट सीरियस होके पढ़ रहे हैं ना, इन सेशन से आप लोगों के काफी क्वेश्चंस पेपर में दिख जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से बनाया है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रा, ऑडिपस, मोरल या फिर आपका ओरल, यहाँ से तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यस, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जब गर्ल अपने पिता की तरफ, अपने फादर की तरफ आकर्षित होगी, तो याद रखिएगा इसको, याद कैसे रखना है, गर्ल में क्या आता है, आर आता है, और इलेक्ट्रा का याद रखना तो किसके साथ जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपियर, वो कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर सेक्सुअल चेंजेस बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यस, बताइए सब, यहां पर ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस में तुम्हें उतनी करा दूंगी जितना तुम बहुत अच्छा स्कोर ले आओ, बस जो बता रही हूं वो करते चले जाओ। बालक के शरीर में होने वाली लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना शुरू होता है, दो आंसर दो फटाफट से, कि किसके साथ आपका जाएगा ये, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडल्टहुड या प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उस अवस्था को क्या कहते हैं जब बच्चे के अंदर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, तो उस स्टेज को बोला गया है प्यूबर्टी स्टेज। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, जब बॉय एंड गर्ल दोनों में चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर और वो सेक्सुअली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी स्टेज। यार ये तो तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा अपने स्कूल में, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, नॉट को ध्यान से देख लेना, ठीक। अब बहुत जिसका गलत हो रहा है ना, तो वो ये समझो कि तुम्हें ये बेसिक टॉपिक भी नहीं आता है, इसलिए तुम्हारा गलत हो रहा है, क्योंकि बेसिक टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अब थोड़ा सा लेवल तुम्हारे लिए इंक्रीज कर दिया जाए तुम वही लुढ़क जाते हो, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब इतनी सी बस नजरों का फर्क है यहाँ पर। देखो कॉन्टिन्यूटी का भी सिद्धांत होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, यूनिफॉर्मिटी भी होता है, बट जो सिद्धांत है वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। और आप लोग ना जल्दबाजी में यही ऑप्शन को ऐसे गलत कराते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट डेवलप्स टूवर्ड सेम सेक्सुअल ग्रुप्स। अब यहाँ पर जो हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं ना, जैसे अगर गर्ल है तो गर्ल अपनी गर्लफ्रेंड ही बनाएगी, मतलब कि सेम सेक्स के लिए हम लोग फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है। आज तुम्हारे मतलब दिमाग से धुएं निकल गए क्या भाई तुम्हारे कानों से, कोई बात नहीं, लेवल जैसा भी हो बस अटेम्प्ट करना चाहिए, सीखने को तो मिलेगा ना, गलत होगा गलत सही, सीखने को तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट क्या होगा, वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा सेम सेक्सुअल की तरफ अट्रैक्ट होता है, अपने ग्रुप बनाता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 टू 14, 15 टू 18, 10 टू 12 या फिर 19 टू 21। सेम सेक्स आपको बताया था, अगर सेम सेक्सुअल की बात की जाए तो वो अवस्था कहलाई जाती है लेटर चाइल्डहुड की, ये किस में होता है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, राइट। क्योंकि बच्चा अपनी गैंग बनाता है, प्री गैंगेज अर्ली चाइल्डहुड होता है, और गैंगेज कौन सा होता है, लेटर चाइल्डहुड। अब लेटर चाइल्डहुड किसके अंदर आएगा, तो लेटर चाइल्डहुड आता है वो कौन सा पीरियड है, 10 टू 12 स्टेज है, सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 12 के बाद एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है। यस, 12 के बाद एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन, क्योंकि भाई इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट लाइक बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहती बट फिर भी तुम लोग ऐसा करते हो कि बिल्कुल भी लाइक करने में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, वो कौन सी स्टेज है जहां पर जो आप लोगों की फिजिकल शारीरिक ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, बताओ।
जल्दी से बताइए मनीष कुमार, ये और क्या चल रहा है? मैंने क्या बोला? जितना एक टॉपिक वाइज टाइम लगता है यार एक टॉपिक में से क्वेश्चंस को छांटना, मैं रैंडम भी नहीं करा रही तुम्हें, मैं टॉपिक्स में से छांट के हर एक पेपर से जितने भी पेपर है टेट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ, फिर तुम्हारा कहाँ से कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सा स्टेज है जहां पर फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है? फिजिकल ग्रोथ जब तेजी से बढ़ती है तो वो कौन सी अवस्था बोली गई है? तो वो आप लोगों की अर्ली चाइल्डहुड बोली गई है, या इन्फेंसी, या एडोलेसेंट, या फिर स्कूल एज बोली गई है? फिजिकल ग्रोथ जहां पे तुम्हारा शरीर तेजी से बढ़ता है तो हम बात करें तो उस बात को क्या बोला गया है? इन्फेंसी स्टेज कहा गया है, क्योंकि बच्चे का जो उसके शरीर की अवस्था होती है, वो बच्चा इतना सा होता है ना इन्फेंसी स्टेज में, तो एक साल बाद वो बच्चा इतना हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। और कई बुक्स के अंदर आप लोगों को ए ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड भी मिला होगा, बट फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो इन्फेंसी पे टिक कर देना, पहला ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस आप लोग बी को दोगे। उसके बाद अगर फैंसी नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन आप लोग अर्ली चाइल्डहुड को दोगे, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली टर्म्ड एज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वन डेवलपमेंटल एज? वो कौन सा पीरियड है जहां पर बहुत तूफान आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो वो बताओ कि वो कौन सी अवस्था बोली गई है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, वो कौन सी स्टेज बोली गई है जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं? यस, बताइए। मैंने वही बोला प्रीति, अर्ली चाइल्डहुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड को ना आपके जो प्रीवियस ईयर भी हुए हैं उसमें सीटेट ने इन्फेंसी को ज्यादा महत्व दिया है, और इन्फेंसी सही भी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा सा होता है इतना होती है उसकी हाइट, बट धीरे धीरे एक साल के अंदर वो बच्चे की हाइट इतनी हो जाती है, तो वो ग्रोथ जो हो रही है ना, हमारे वेट, हमारे हाइट के अंदर इंक्रीमेंट होना, तो वो इन्फेंसी में ज्यादा होता है। बताइए तो उसका बेस्ट आंसर क्या होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज एडोलेसेंट को बोला गया है, किशोर अवस्था को कहा गया है, सी इज द बेस्ट ऑप्शन, सी आपका बेस्ट ऑप्शन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? कि अब देखो यहाँ से विकास के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि आप लोगों के कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें बात की जा रही है कि हर एक फेज ऑफ डेवलपमेंट के अपने कुछ हालात होते हैं, या डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय द कल्चरल चेंजेस, या ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज करेक्टरिस्टिक्स, कि हर एक फेज की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। तो बताइए कैसे भी टाइप का स्टेटमेंट बन सकता है, बट उससे डील करना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? तो सही नहीं की बात की जा रही है, तो इसमें से भी आप लोगों ने ए और बी अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। गलत की बात पूछी गई थी, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग नेगेटिव ही निकालेंगे, बी इसका सही आंसर है। यार जिसने ए दिया है तो सही बात है ना, हर एक फेज के अंदर अपने हजार्ड्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में अपनी कुछ दिक्कतें आएंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी, एडोलेसेंट की अपनी है, एडल्टहुड की अपनी है, हर एक हजार्ड्स की अपना है ना स्टेज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलते हैं पेपर में। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट एप्रोप्रिएट टू लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यस, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, या लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स? दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो तुम्हें पता चला कि आज कितना गलत हो रहा है और तुम्हारा लेवल क्या है, पता चल पा रहा है? ये तुम्हारे लिए आईना है, मिरर है ये तुम्हारा, कि तुम्हारे दिमाग को खोले, आंखों को खोले, कि तुम्हारे मुंह पर कितनी पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तो तुम्हारे पेपर में गलत होते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब तुम्हें यहां लगता है कि मुझे सब आता है, बट पेपर में जाके बत्ती गुल, वो वाला केस है तुम्हारे साथ भी। 19 का करेक्ट आंसर, अभी देखो बी और डी के में कंफ्यूजन है तुम्हें, तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कौन सा नहीं पूछा गया था? तुम्हें नहीं को क्यों भूल जाते हो भाई? हम पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करके क्या करेंगे, तो ये एक करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन किससे जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. अगर हम लोग बात करें अर्ली चाइल्डहुड यहाँ से पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी खासियत नहीं है, कौन सी खासियत नहीं है, बहुत गलत हो रहा है तो सेशन को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा. दीजिए आंसर, किसमें से बात करें तो इसमें से अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी खासियत नहीं जाएगी, प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या फिर प्ले एज, बताओ. अब तुम्हें ज्यादातर कंफ्यूजन क्या रहती है, एक तो प्ले एज में और एक आपका टॉय एज में, दोनों में अपना एक डिफरेंस है, अपना एक मीनिंग है. देखो अगर प्ले एज आए तो आप लोग टिक कीजिएगा, इन्फेंसी स्टेज शैशवा काल के अंदर होता है, और टॉय एज से आ जाए तो ये किसकी खासियत है, ये अर्ली चाइल्डहुड की खासियत है, किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की खासियत है. अब इसमें डिफरेंस क्या है, बच्चा टॉय एज में वो समझता है जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे को ठंड लग रही है तो मेरी गुड़िया को भी ठंड लगेगी, तो वो बच्चा का जो एज है ना वो अपनी तरह मानता है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो आपकी टॉय एज है. तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन सही है, बट प्ले एज इन्फेंसी की खासियत है तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं जाएगा, राइट. ये सबका गलत है, किसी को भी नहीं पता था, और ये मैंने अपने सीडीपी उड़ान बैच के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया है. तो आप लोग सीडीपी उड़ान बैच में बार बार कह रही हूँ, जिसको गलत हो रहा है सीडीपी उड़ान बैच की प्लेलिस्ट देखकर जरूर आओ, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन करते हैं, ओके. Which, who said the these situations are mental evolutions that are aspect to conflict and anxiety? ये किसने कहा है कि यहाँ पे जो स्थितियां होती हैं, मानसिक मूल्यांकन है, जो संघर्ष और चिंता का पहलू है, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है. 21 हिलगार्ड, वाटसन, जीन पियाजे, राल्फ टाइलर. तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बहुत बार करा दिया है और ये आप लोगों को अब तक माइंड में लग जाना चाहिए. तो ये जो कथन है ये कहा गया है राल्फ टाइलर के थ्रू, जिन्होंने बोला है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी वो एक ऐसा पीरियड होता है एडोलेसेंट के जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और बच्चे के अंदर होती है, राइट. क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मल एजुकेशन ऑफ स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट. जो आप लोगों को फॉर्मल एजुकेशन मिलती है स्कूल के अंदर, वो क्या चीज दिखाती है, वो क्या चीज आप लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्या चीज प्रदर्शित करती है, लर्नर प्रोग्राम्स, प्लान्ड प्रोग्राम्स, कलेक्टिव प्रोग्राम्स या बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी. आंसर दीजिए करेक्टली, क्या ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, किससे हम लोग जाएंगे. देखिए एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन, आप लोग स्कूल में जाते हो, एक अच्छे से पूरा करिकुलम आप लोग पढ़ते हो, प्लान्ड वे में पढ़ते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों का अध्ययन किया जाता है, योजना बनाई जाती है. सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, राइट आंसर इज बी ऑप्शन. और जो स्टूडेंट पढ़कर आंसर दे रहा है ना, समझ के आंसर दे रहा है, उसका सही जा रहा होगा. मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, उन्हें ये टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है ये, क्या नहीं हो रहा, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बस और कुछ नहीं. क्वेश्चन नंबर 23, बाय जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड. मानव विकास का जो अध्ययन करने के लिए अनुवांशिकता विधि है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, बताइए उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बोथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या नन ऑफ द अबव. अब देखिए ये मेथड्स भी आपको मैंने कराए हैं, जो आप लोग सीडीपी उड़ान बैच देखोगे ना कि हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है, वर्टिकल मेथड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो जाता है, आपको क्या पता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन डाल दे नया बनाने के चक्कर में, तो पता तो सब चीज़ होनी चाहिए सीडीपी के बारे में. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा. तो जेनेटिक मेथड दोनों ही तरीके से होता है, क्षैतिज भी और लंब रूप भी, यहां से करेक्ट आंसर सी के साथ जाएगा, सी इज द बेस्ट ऑप्शन, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली. यही सेम क्वेश्चन आपका अब की बार सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीमा जो है बच्ची है वो अपना लेसन बहुत ही जल्दी से कर लेती है, पर लीना जो है वो ज्यादा टाइम लेती है, ये कौन सा डेवलपमेंट दिखा रहा है, ये किस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है. भाई सेशन को लाइक शेयर कर दे अगर एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं,
राइट, मजा आ गया सेशन में या नहीं आ गया मुझे बताएंगे जरूर। कॉन्टिन्यूटी, जर्नल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंस या इंटर रिलेशनशिप। अब एक बच्चा है कि वो जल्दी से कर लेता है काम को, एक बच्चा धीरे धीरे करता है, उसे टेंशन नहीं है कि कब खत्म हो कब ना हो, तो ये क्या चीज दर्शा रहा है? ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में अलग पाया गया है, कोई भी सिमिलर नहीं पाया गया, राइट? तो उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बताएंगे। वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्स टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। आप में से ये बता दो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिम जाके प्रोटीन खाते हैं और मसल गेन करते हैं। तो उसी लाइन में ही आप लोगों को आंसर मिल गया है, क्योंकि जो ये बॉडी लिफ्टर्स होते हैं ना, उनको इतना वेट उठाने के लिए किस चीज की जरूरत है बॉडी के अंदर? प्रोटीन की जरूरत है। तो वो कौन सा डाइट लेते हैं? प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, राइट? अब ये बता दो कि तुम्हारे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए? क्वेश्चंस तो काफी सारे लिए थे, अब तुम्हारा स्पीड इतनी धीरे है, बताइए क्या करें जाए? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप सभी को। अब जल्दी से जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एक बार बताएंगे कि 25 में से आपका क्या स्कोर बना है, क्योंकि आज का बेसिक सेशन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये टॉपिक आपको सबसे इजी लगता है, और यहाँ से मैंने बेसिक क्वेश्चन से जो इस बार के लेवल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं रिपीट करा रही। सेशन जैसा भी लगा हो, इस वीडियो के नीचे आपके कॉमेंट जरूर आ जाने चाहिए, #CDP by Rupali Ma'am, राइट? ये सभी के सभी आप लोग जरूर यूज करेंगे, ये हैशटैग जरूर यूज करेंगे कमेंट सेक्शन के नीचे। जब आप लोग इस, अगर वीडियो अच्छी लगी बस वही लिखिएगा #CDP by Rupali Ma'am, और आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट देखनी है तो CDP उड़ान बैच बाय रूपाली मैम, आप लोग ये प्लेलिस्ट को सर्च कर लो यूट्यूब पर, आपको पूरी प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी। अराउंड 37 वीडियोज की प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में कराए हैं। आई नो बहुत गलत हुआ है, बट हम लोग बेसिक से करेंगे ना, धीरे धीरे उठेंगे ना, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगी, अब एमसीक्यू सीरीज चलेगी आप लोगों की। तो आपको डेली कनेक्ट होना है सुबह 10 बजे CDP के लिए आपको डेली कनेक्ट होना है। जो भी 30 में से 30 का स्कोर लाना चाहता है, वो 10 बजे जरूर जुड़ जाना अपने टाइम से, ठीक? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।